हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श हीरा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आपका कानून में। दोस्तों, हमारे लैंड रेवेन्यू केसेस रिलेटेड सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं एक और वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूं। रिलेटेड वीडियो है, पट्टे से रिलेटेड है या जॉब्स को आप कह सकते हैं सरकारी पट्टा या सरकारी लीज गवर्नमेंट लेजी से रिलेटेड ये वीडियो है। पूरी जानकारी आपको बताऊंगा कि कैसे आप पट्टा ले सकते हैं और क्या ये ट्रांसफरेबल होता है, क्या आप इसको सेल कर सकते हैं या इसको आप वसीयत में दे भी सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए आप हमारे साथ। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि ये पट्टा या लीज होती क्या है। दोस्तों, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जब आपको कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है तो उसे लीज या पट्टा कहा जाता है। दोस्तों, एक लेमन लैंग्वेज में ये इसका डेफिनेशन है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हो सकता है ये पट्टा। जो पट्टे होते हैं दोस्तों, जैसे सरकार है, गवर्नमेंट के पास भी बहुत सारे लैंड्स होते हैं और वो भी उसको पट्टे पर या लीज पर वहाँ पर ग्रांट करती है लैंड्स को। जो लैंडलेस पर्सन होते हैं वहाँ पर एप्लीकेशन करते हैं तो उनको तहसीलदार महोदय के द्वारा ये जो पट्टा है ये ग्रांट कर दिया जाता है। दोस्तों, तो ऐसे केसेस में ये पट्टा 5 साल के लिए भी हो सकता है, 10 साल के लिए भी हो सकता है, 20 साल के लिए भी हो सकता है, जैसा कि गवर्नमेंट स्पेसिफाई करते हैं। गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से दोस्तों ये पट्टा वहाँ पर होता है और उसका टाइम पीरियड डिटरमाइंड होता है, जो कि जो पट्टे का आपका डॉक्यूमेंट बनता है उसमें वो चीज़ें मेंशन होती है पहले से। दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, प्रोसेस क्या होगी, इसके लिए सबसे पहले आपका पर्टिकुलर जो एरिया है, आपकी जो पर्टिकुलर तहसील है, वहाँ पर एक ऑफिसर बैठते हैं जिनका नाम होता है तहसीलदार महोदय। तहसीलदार महोदय के पास आपको जाके सबसे पहले एक एप्लीकेशन करनी होगी उनके पास कि आप एक लैंडलेस पर्सन है और आपके पास और कोई अदर प्रॉपर्टीज नहीं है, इसलिए वो जो पट्टा है उस एक पर्टिकुलर लैंड का आपको उस एरिया में ग्रांट किया जाए। अब वहाँ पर प्रोसेस सेम होगा, इसके बाद वो पटवारी को डायरेक्ट करेगा, या तो डायरेक्टली वो आपको पट्टा ग्रांट कर सकता है या एग्जामिनेशन के लिए आपका एप्लीकेशन रोक सकता है। अगर वो एप्लीकेशन आपका एग्जामिनेशन के लिए रोका जा रहा है तहसीलदार महोदय के द्वारा, तो फिर उस पर वो इंक्वायरी करेगा, पटवारी को वहाँ पर भेजेगा, वहाँ से उनसे डिविजनल रिपोर्ट बनवाएगा, प्रॉपर्टी को मार्क किया जाएगा कि वो पर्टिकुलर वही प्रॉपर्टी है भी या नहीं है, या फिर उस प्रॉपर्टी का जो मेजरमेंट बताया गया है वो सही है नहीं है, उसकी लोकेशन सही है कि नहीं, इन सब के रिस्पेक्ट में जो है एक इंक्वायरी होती है वो पटवारी के द्वारा की जाती है। पटवारी जब ये कंप्लीट करके और इसको तहसीलदार महोदय के समक्ष दोबारा पेश करता है तो उसके बाद आपको वहाँ पर पट्टा ग्रांट हो जाता है। दोस्तों, पट्टे का रजिस्ट्रेशन भी होता है, आदेश पास होता है और उसके बाद आपको तहसीलदार महोदय के द्वारा वहाँ पर पट्टा दे दिया जाता है। अब एक और सवाल हमारे दिमाग में आता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या हम अपने पट्टे को सेल कर सकते हैं या बेच सकते हैं या उसको ट्रांसफ़र हो सकता है उसका क्या। दोस्तों, जनरली ऐसे कोई प्रोविज़न नहीं है कि आप अपने पट्टे या लीज को सेल कर सकें। अगर डॉक्यूमेंट के थ्रू आपको परमिटेड है तो आप उसको सबलेट कर सकते हैं, किसी और व्यक्ति को दे सकते हैं या फिर उसको ट्रांसफ़र भी वहाँ पर कर सकते हैं। ट्रांसफ़र के लिए भी आपको एप्लीकेशन लगानी होगी, तहसीलदार महोदय के समक्ष ही एप्लीकेशन जाएगी, वहाँ आप एप्लीकेशन मूव करेंगे तो आपका पट्टा जो वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद एक और प्रॉब्लम आती है दोस्तों कि जैसे पट्टा आपके फादर के नाम पर था और उनकी डेथ हो चुकी है तो आपको क्या करना पड़ेगा। इमीडिएटली आपको एक एप्लीकेशन करना होगा तहसीलदार महोदय के समक्ष ताकि वो पट्टा आपके नेम पर ट्रांसफ़र हो सके, और आपको डेथ का कॉज भी उसमें लिखना होगा, पुराने पट्टे का कॉपी भी, फोटोकॉपी भी आपको उसमें लगाना पड़ेगा। इसके अलावा अपना आधार कार्ड और जो आपके फादर हैं जिनके नाम पर वो ज़मीन थी, या एनी अदर रिलेटिव किसी के नाम पर अगर वो ज़मीन थी तो उनका भी डेथ सर्टिफिकेट आप उसमें लगाइए, तो उसके बाद आपके पक्ष में ये आदेश हो सकता है कि वो आपके पक्ष में ट्रांसफ़र कर दिया जाए पट्टा। दोस्तों, विल के थ्रू भी पट्टा ट्रांसफ़र होता है, अगर विल के थ्रू भी आपको वहाँ पर उन्होंने डेडिकेट कर दिया है कि ये प्रॉपर्टी जो है जो गवर्नमेंट लीज में उनको मिली हुई है या सरकारी पट्टे में मिली हुई है वो आपको ट्रांसफ़र हो जाए, तो आप उसके आधार पर भी तहसीलदार महोदय के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ग्राह होगा या नहीं होगा, एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये मेरिट्स की बात है, ये बात की बात है, लेकिन एप्लीकेशन ज़रूर कीजिए, हो सकता है कि वो पट्टा आपके फेवर में मिल जाए। अगर एक बात यह है कि पट्टा जिसके फेवर में अलॉटेड है और वो उसको सेल कर देता है तो ट्रांसफ़र ऑफ पट्टे के लिए, ट्रांसफ़र ऑफ गवर्नमेंट लीज के लिए आप एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। एप्लीकेशन सेम अथॉरिटी के बिफोर में जाएगा, तहसीलदार के बिफोर में ही वह एप्लीकेशन जाएगा और अगर तहसीलदार चाहे तो उसको ट्रांसफ़र भी कर सकता है। पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर ओनरशिप बताने के लिए बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट लेजी को भी रिकॉग्नाइज किया गया है, वेरियस जो आपको बता सकता हूँ स्टेट्स हैं जहाँ पर गवर्नमेंट लेजी को रिकॉग्नाइज किया गया है और कई तरह से उनको ज़मीनें ट्रांसफ़र की जाती हैं। इसके अलावा एक कंसेप्ट और आता है दोस्तों, सर्विस लैंड का, वो पट्टे से डिफरेंट होता है, इनमें डिफरेंशिएट करना बहुत ही मुश्किल होता है, कई बार लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन ये डिफरेंशिएट करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि सर्विस लैंड को आप सेल या परचेज नहीं कर सकते हैं।
सर्विस लैंड वो होता है, वो एक पर्टिकुलर सर्वेंट को मिलता है, गवर्नमेंट के सर्वेंट को मिलता है जब तक कि वो उस सर्विस में है, और उस सर्विस के ख़त्म होने के बाद वो लैंड उससे वापस ले ली जाती है दोस्तों। तो वो लैंड जो है सर्विस लैंड वो सेल नहीं कर सकता है, ये गवर्नमेंट लीज से डिफरेंट होता है दोस्तों। तो कभी भी सर्विस लैंड को परचेज मत कीजिए, गवर्नमेंट लीज से आप कर सकते हैं परचेज, ट्रांसफ़र करा सकते हैं, लेकिन सर्विस लैंड वहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं हो सकती दोस्तों। तो दोस्तों ये थी जानकारी सरकारी पट्टे के बारे में, गवर्नमेंट लीज के बारे में। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है जहाँ से कनेक्ट करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।